मुंह तो जेड़ा मैं खोल लिया लेकिन बड़ा मुश्किल ना खोल लिया। ऊपर छत के नाल जेड़ा ना फा दिता हूँ जाके सेट हो गया। और जी आखिरी जेड़ा ना थोड़ा रह गया मुंगर मारन लगा रिमोट वगैरह बनाने लगा क्योंकि सवेर का काम इन्ना ज्यादा मैं फसिया क्योंकि सुबह मुंगर मारते मारते बारह का टाइम हो गया हूँ चल के मुंगर मैं तंदूर मारूंगा मुंगर शाम का निकला क्योंकि सफाई जी सारे पहले जरूरी है अड्डों चीज़ा है और अपर हो इस करके सारे पहले सफाई की है सुबह हूँ तंदूर मुंगर मार लेने और दूसरे तंदूर की जी मिट्टी जी पई है वो तंदूर भी जो लिंब लेने और मिट्टी कुट के जी इन शाला नवी जी मिट्टी वो बे भी लेने फिर अबू जी और उधर रेहड़ी लैके आ जाएंगे उस तो बाद जो कि मैं मामू होर की बात जी मिट्टी की परती जी वो पा लेना लेकिन हूँ सुने लू याद करके चल के मुंगर मारने ते जेड़ा हुण असीं जेड़ा तंदूर मुंगर मारो सफाई जेड़ी घर दी हो गई हुण तंदूर मुंगर मार के ते इंशाल्लाह जेड़ी ना बड़ल चाह के ना असीं उस जगह ते रख लैणी रख वे दाणे च पा लैण क्योंकि चूहे काफ़ी सारा बाणी दाणे दी वजह तो क्योंकि हर चीज़ होर ही काफ़ी सारे जेड़ी नुकसान कर सकते इस पर मैं बेच जेड़ा ना रख देने बड़ल ते दाणे जेड़े ना वह गत लेंगे ते सब तो पहले जेड़े जा सब मुंगर मार लेंगे ते मैं जेड़ी बच्चों को मारी और सारे पहले जेड़ी मैं कहिंदी कन्नी जेड़ी ना गुलाई ना जेड़ी ना बना लईए क्योंकि इंशाल्लाह टाइम हूँ भी आवन वाला क्योंकि अगे तरह कट्ठिया बीह भी तंदूर की जेड़े नेवे मुंगा ही मारते और मुट्ठी वगैरह जी बनाते हाँ जी अलहमदुल्ला एक बार जी सफाई हो गई है मुकम्मल और दो तीन दफा जो मुंगर होर मारना पैना फिर जाके जो मुंगर कंप्लीट होना जी। तो माशाल्लाह हलीमा सादी जी इधर खेड रही है सादी हलीमा हलीमा सादी आ खेडे खेडे कर रहे हो हाँ माशाल्लाह हूँ बेटी मेरी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी तो मैं सोच रहा बड़ोली जी बहर रखने बेहतर आ कि इतने जी अंदर किचन बड़ोली रख लेगी क्योंकि इस नुक्कर चुल्हे रख लें इस नुक्कर जी बड़ोली रख लें क्योंकि इतने अगर बड़ोली उस नुक्कर रखा ना चुल्हे इधर रखा तो फिर जो इतों बहर मतलब कि जो बहना पैना उ चुल्हे तो इधर जो बंदा साइड से बह जाता तो इतने ठीक है इधर ठीक नहीं मैं कहना है सादिया खेड रही है नहीं मैं फिर काम कर लवा फिर जी रोटी खावगा इधर ही मैं खाते रख लीए क्योंकि बारिशों का मौसम नमी होंगी ना क्योंकि जिम्मे अपने कंधे जो विंडो आ मतलब बहरों नमी पैंती है पानी जो अंदर मतलब त्रेल जी बन जाती है इससे मांग जो बड़ोली अंदर जो पानी थोड़ा बहुत होना है क्योंकि नमी की वजह तो अंदर जो पानी जजब हों इस करके आप अंदर रख ली को बहर रखे ना दाने जो खराब होने के बारी बारी नहीं नहीं ओली साइड रखना जिथे लकड़ा नहीं पी चुले नहीं पै जाएगी क्योंकि नुक्कर लेकड़ी अबू मंजी पाँगा नुक्कर वैसे ही खाली है हाँ सामने चूल्हे रख लें ठीक होगा रोटी खा लो फिर काम करने हाँ जी तो सफाई वगैरह जी कर ली चूल्हे जी इधर करते इतने जी बड़ोली रख देने
इतने जिन चूल्हे अग बाली रखा इतना बैठे रहेंगे तो इंशाला हूँ चलिए सारे पहले बड़ोली चक रख ली सफाई कर लिए फिर जो फ्रीजर बहर क्डा सोफ और करा थलो जंजिया दाने वगैरह जो सारे कर ली ठीक ने क्योंकि ज्यादा जूहे हो सकता कि दाने की वजह तू आए होने घर इस करके भी वो सारे दाने भी जो चक लिया है और फिर जो ना सन क्लीयर हो जा सी तो फिर जो चूहे ना तो फिर मैं मुक ली सवें ना चूहे ने बड़ा सन तंग किया सा नुकसान ही उन्हें काफ़ी सारा किया लेकिन अच्छ दाने वगैरह कट के सारा जो चूहे का कोई हिसाब किताब लगाने साफ कर रही अच्छे तरीके ने मिट्टी गट्टा जो उपर बहुत ज्यादा जम गया क्योंकि इधरली साइड संग वगैरह जी लगी है और चीजा के बेच जाना स्टैंड कोई नहीं रखनी क्योंकि वैसे जी ने रखी नहीं स्टैंड ना रखी छत लग जानी है फिर दाने जो उपरों को नहीं पाने बड़ोली जी माशाल्लाह से अंदर रख ली लेकिन जो छाबा उदा फुल तो नहीं खुलता इन्ना तिकर जो खुल रहा और मैं पहले सोच रहा है कि मतलब बोरिया समैस सटी बोरिया तो बगैर दाने सटी खुले बिच खुले ठीक ने कढ़ने भी आसान होवेंगे कोई टेंशन नहीं ना होगी हाँ हाँ जी तो फ्रीजर जो थटा लिया हूँ सोफा ही जो ओली साइड से जो खिंच लें थलों जो सारे दाने कट के बड़ोली दे चल के डोने क्योंकि काफी सारे बहन भाई जो कमेंट करते हैं घर के कबाड़ खाना सारा गंद छी और अपना घर की हो जाए जो कमेंट कर देंगे लेकिन साडा किवें तुसी पिछले भी लागे कि साडा समान सी दो कमर का जेड़ा सी एक कमरे दे विच जेड़ा ने एडजस्ट किया हेठ ते करके फिर दो कमरे दी जदों भी चीज बंदा एक कमरे दे विच जेड़ा ने मतलब कि रखदा है ना क्योंकि इन्नी सारा समान हुण वेखो दाणे वगैरह हुण जेड़ा चक रहा सारा समान वगैरह जेड़ा हुण एक कमरे दे विच जेड़ा ना असी रखे होया फिर साफ जहरी गल है तुहानूं कबाड़ तां लगणा ही आ हेठ उत्ते जेड़ा समान असी जेड़ा पुर कीता होया मतलब कि मंजे सी एक कमरे दे विच लैदा जेड़े जुड़े हुंदे मेहमानां दे बाण वगैरह करण कंदे हेठ उत्ते सानूं इह वी नहीं रखणे पैणे सी इस करके जेड़ा ना लेकिन इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जो ना अल्लाह सुनने चाहे सारे काम जो ठीक हो जाएंगे छाबा जेड़ा ना उत्तों खुलिया नहीं है रेस्ट आस्ते जेड़ा ना पाना मुंह जेड़ा ना इत्थे खोल लेना मैं क्या उत्थे जेड़ा तंग होवांगे फिर और छाबे ते भी जेड़ा ना कोई ना कोई हिसाब लाना वो लकड़ वगैरह फाने आ उस बाद जेड़ा ना फिर जाके
मुंह तो जेड़ा मैं खोल लिया लेकिन बड़ा मुश्किल ना खोलिया। ऊपर छत ना जेड़ा ना फा दिता हूँ जाके सेट होया। और एक थोड़ी टेंशन कोई नहीं, बारी वाली साइड वालू जेड़ा ना छापर वगैरह जेड़ा ना वो तान लवेंगे। ओ जी फैलने डेढ़ त्रोड़ा जेड़ा ना होर रह गया। और जी आखिरी जेड़ा ना त्रोड़ा रह गया। और छापर जेड़े ने कुत्ते लिया कि गाते भी है और ताले जेड़े ने दोवें लाया भी है क्योंकि किस टाइम आप घर नहीं भी होंगे अबू अम्मी और भी नहीं होंगे आप भी नहीं होंगे इस करके जो इन्होंने ताले ला दे भी मतलब कि दाने कुकर देना ताले वगैरह जेड़े ने ला देना जी। अलहमदुल्ला दाने वगैरह जो सारे रिमोट दर्द कर रहे क्योंकि समान वगैरह खाया और रात भी चली गया ता लेकिन जी ना अज अलहमदुल्ला ये काम बहुत ही अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। एक तो बड़ोली जी बार पई पे खराब हो रही है इस करके ये भी अच्छा हो गया। दूसरा दाने वगैरह जो अंदर सेफ हो गए भी ठीक हो गया। बाकी चूहन भी जो कोई करने मंजिया वगैरह की सफाई करने लाड़ वगैरह जो सारे फिर उन्होंने टोक दिते लेकिन जो सफाई वगैरह जो सारी अच्छे तरीके ने जो कर ली है। बाकी दाने वगैरह जो सारे निकल गया सफाई वगैरह जी सिर्फ इतने ही थोड़ा जहाँ जो कचरा बनया वो भी जो दाने तोड़े जो पाड़ते से उन्होंने कटे से बाकी जी सारी साफ वगैरह कमरा कोई किसी किस्म की टेंशन कोई नहीं लेकिन अज सफाई जी ने सारी टोटल जी अच्छे तरीके ने जी कर लेने और सारिया चीज़ा उन्होंने चक चक के लै गए हैं हाले इधर उपर जी चीज़ा रखी ने जी चक चक जलेट के लै गए से और जी जो कीमती समान से ना सारा का सारा जो झूए लै गए मतलब कि जो अच्छा सूट से उन्होंने ले जाके उन्होंने टोक दिता जो कोई अच्छे कपड़े कोई चादर से अच्छिया वो उन्होंने टोक दतिया मतलब कि सारा कुछ झूए लै गए। लेकिन हूँ जो साफ सफाई होगी और इन्होंने इंतजाम जो मैं करना क्योंकि मैं चलिया शहर क्योंकि पहले जो छोटे कुड़के लैन देने लेकिन उन्होंने जो बच गए हूँ जो वे कुड़का जो लैं वो शैल आ जिंद जो जिंदा आ जाते हैं लेकिन उन्होंने आने का रास्ता मिलता जान नहीं मिलता इस करके इधर दूर फसलों के जो छड़ के आवेंगे जी। मैं भी 15-20 मिनट जी रेस्ट कर लवा और फिर जो नहा के जो कपड़े चेंज कर लेंगे गट्टा मिट्टी जो काफ़ी सारा इस करके जो कपड़े वगैरह जो मैं चेंज कर लवा उस बाद जो फिर मिट्टी भी कुटनी है तंदूर भी जो सैकेंड टाइम इंशाल्लाह जो लिबना और अज टाइम लग्या ना दाढ़ी जी खत करा भी जो जाना क्योंकि टाइम जो लगे उधर वाल कटाए से उधर लेट हो रही थी लेकिन दाढ़ी जी को नहीं बनवाई वाल कटा के जो वापस आ गए लेकिन अज टाइम कट के इंशाल्लाह जो दाढ़ी भी बनवानी है और बाकी ए काम तो जो सारे बहना भाई जी कमेंट करके जरूर दसना जी सही हो गया मतलब कि बहुत ही अच्छा काम हो गया। बड़ोली जी बाहर खराब हो रही थी दाने अंदर पाए खराब हो रहे थे लेकिन हूँ जो माशाल्लाह काम जो सारा कुछ ठीक हो गया। हलीमा साहब जी दुध अपना रो रही है हाँ ठार के जन देखो गरम गरम जो दुध दे और निजा फातमा जी खेड रही है क्योंकि हूँ जी धुप काफ़ी सारी आ सर्दी वगैरह है कोई नहीं मैं उन्होंने छड़िया मतलब दो घंटे जो तुर फिर के मतलब जो तुरंत दवा लिया बच्चों की ताकत आँगी मंजे तो जो बैठे रहती तो फिर जो बोर जी हो जाती सिर्फ मंजे उत्ते मिठाई रखी आ इस करके जो लेट की है तुरंत तो हूँ जो छी रखी चोन माशाला कदम कदम जो तुर भी रही है और अच्छे सारे बहन भाई जो हसे हासा ताया होना थमनल देख कर मतलब कि सब कुछ ले गए चूहे जो सारा कुछ लै गए क्योंकि तुम मैं दस नहीं सकता जेड़े जेड़े कीमती सूट से सारे जेड़े उन्होंने टुक गए तो मतलब कि हम उन्होंने जी रफू वगैरह जो करावे उपर जी टाकिया वगैरह जी लवा लवेंगे ना क्योंकि इतने महंगे सूट सीटने तो उन्होंने रहे हूँ असं इस करके जो पावे उन्होंने जी टाकिया वगैरह ला लवेंगे मतलब कि हासे वाली गल भी सारा कुछ इंज लै गए भी मंजिया की सी चार चादर दो चादर सी पेटियां दया दो ट्रंगा दया एक फटछत्ती लाड़ लाड़ उन्हें किधरों भी नहीं टुकया जो उपर जो फूमन लगे हुए थे डेकोरेशन पीस बने हुए उन्होंने उन्होंने आराम सुकून कट दिता इस गल के जो सारा कुछ लै गए मतलब कि कपड़ा वगैरह तो टुक दें तो मतलब कि उन्होंने सी लेंदा बंदा तो सैट कर लेंदा लेकिन इन जितनी एक डेकोरेशन उपर फूमन कंडाई गडाई वगैरह दागे हुई हुई सारी वो टुक गए तो लेकिन चलो कोई गल नहीं हूँ जो
शायद जिहड़ा ना शिकार लेने हुण इन्हां नाल वल फिर आ जांदे आ ते इंशाल्लाह मिलने आ किसी नेक्स्ट सच्चे तच्चे ब्लॉग दे विच। फिलहाल इतना अपने प्यारे बेजाज को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखे से इन्हां दुआवां दे नाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।